जिला के साहगंज अंतर्गत संस्कार भारती ने अपने महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा अनुपमा अग्रहरी का भारतीय परंपराओं द्वारा मनाया जन्मदिन, साथ ही लोगों से भारतीय परंपरा अनुसार जन्मदिन मनाने की अपील। भारतीय द्वितीय वार्ड में संस्कार भारती महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष अनुपमा अग्रहरी के घर पर संस्कार भारती की प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष श्रवण अग्रहरी के नेतृत्व में जाकर भारतीय परंपरा अनुसार दीपक जलाकर व लड्डू खिलाकर जन्मदिन मनाया। आपको बता दें कि संस्था के अध्यक्ष श्रवण अग्रहरी का कहना है कि हम भारतीय परंपराओं को भूल गए हैं और हम सबका प्रयास है कि भारतीय परंपराओं को फिर से उजागर किया जाए और सभी भारतीय परंपरा अनुसार ही अपना जन्मदिन मनाए, अपने संस्कारों को सजोए रखें। इस अवसर पर संस्था अध्यक्षा अनुपमा अग्रहरी ने कहा कि हमें यह जन्मदिन मनाकर काफ़ी अच्छा लगा और हम सभी से अपील करते हैं कि आप सभी भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत होकर भारतीय परंपरा अनुसार अपना जन्मदिन मनाएं, हो सके तो उपहार में पौधों का लेन देन करें जिससे कि पर्यावरण भी सुरक्षित हो सके। आप संस्कार भारती के अध्यक्ष होने के नाते आप किस तरह से जो जन्मदिन का अभियान चला रहे हैं आप समाज को जागरूक करना चाहेंगे? हम सबसे यही आग्रह करेंगे कि ये जन्मदिन परंपरा जो होती है ना, हम लोग केक का विकल्प लेकर आते हैं। लड्डू उंगलियों का एक समूह होता है जो हमें इकट्ठा रहने के लिए, संकल्पित रहने के लिए आग्रह करता रहता है। हम लड्डू सबको खिलाते हैं और मोमबत्ती बुझाते नहीं, लेकिन यहाँ हम लोग दीपक जलवाते हैं। दीपक जलवाने का उद्देश्य यही है, हमारा एक नया जन्मदिन होता है तो एक नई परंपरा है, तो हम लोग दीपक जलवाते हैं। मोमबत्ती बुझाने से क्या होता है कि मोमबत्ती बुझाने से ये भारतीय सभ्यता नहीं है, अंधेरा हो जाता है और हम अंधेरा नहीं प्रकाश बनाने के लिए हम आए। जैसा कि आज संस्कार भारती द्वारा आपका जन्मदिन मनाया गया और संस्कार भारती की महिला प्रकोष्ठ की आप अध्यक्ष हैं और साथ ही कई संस्थाओं पर विभिन्न पदों में हैं और एक अध्यापक होने के नाते भारतीय परंपरा द्वारा आपने खुद अध्यक्ष जो है प्रस्ताव देके यहाँ पर जन्मदिन मनाया, और आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से इस जो भारतीय परंपरा को लेके? आज संस्कार भारती के सदस्यों द्वारा मेरा जन्मदिन भारतीय परंपरा के अनुसार मनाया गया और मैं लोगों से ही कहना चाहूँगी कि हम आधुनिकता की होड़ में न पढ़कर अपने संस्कारों को, अपनी भारतीय परंपरा को पुनर्जीवित करें और दीपक जलाकर लोगों को मिठाई खिला करके और उपहार में अगर हम पौधे दें तो और भी बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं संस्कार भारती का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने अपनी परंपरा को समझा है और उसे पुनर्जीवित करने का जो बीड़ा उठाया है उसके लिए संस्कार भारती के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद।